इसी तरह से लोगों का भाग्य भले बिगड़ जाए लेकिन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आकार की घड़ियां भी लोग ले आकर के अपने घरों में लगा लेते हैं जिससे पूरा भाग्य भले चौपट हो जाए लेकिन वो अपना फैशन करेंगे। बिल्कुल ना लगा। घड़ी का तात्पर्य समय सूचक यंत्र से है। प्राचीन काल में जब हमारे देश में विश्व में घड़ियां नहीं हुआ करती थी तो सूर्य घड़ी बना करके बड़े बड़े विद्वान खगोल शास्त्री ज्योतिर्विद बजने का अनुमान लगाते थे सूर्य घड़ी से। आज भी आपको बहुत जगहों पर सूर्य घड़ी दिखाई देगी जिसको अगर आज भी आप जाकर के देखें और अपने घड़ी से मिलाएं तो एक्यूरेट समय सूर्य घड़ी बताती है। घड़ी समय सूचक यंत्र होने के कारण इसका काल चक्र से गहरा नाता है। काल चक्र की तीन दशाएं ज्योतिष शास्त्र में कही गई हैं: सिंहावलोकन, मंडूकी और मरकटी। ये काल चक्र तीन दशाओं में होकर के गुजरता है और इस सृष्टि का उत्थान पतन इन्हीं दशाओं के कारण होता है। चाहे प्रलय आनी हो, चाहे सृष्टि होनी हो, चाहे मानवता का विकास होना हो, चाहे विनाश होना हो, सारा कुछ इस काल चक्र के तीन दशाओं के अंतर्गत आता है। फिर से एक बात जान लें, सिंहावलोकन, मंडूकी और मरकटी, ये तीन दशाएं काल चक्र की होती हैं। ऐसा पाराशर होरा में, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में वर्णन आता है। तो अब हम मनुष्य द्वारा निर्मित घड़ियों की बात कर रहे हैं जो हमें समय बताने में सहायता करती हैं। घड़ी की सुई और पेंडुलम से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए घर में कभी बंद और खराब घड़ी एक मिनट नहीं रखनी चाहिए। या तो घड़ी ठीक करवा लेनी चाहिए वरना उसे बेमुरव्वत उठा करके कूड़े में फेंक देना चाहिए। घड़ी का ठीक से चलना लगातार विकास का प्रतीक है। आपका घर अगर छोटा है तो ड्राइंग रूम में ही आप घड़ी लगा लीजिए। आपका घर अगर बड़ा है तो ड्राइंग रूम, बेडरूम और बच्चों के स्टडी रूम में भी घड़ी लगाइए। घर में घड़ी लगाने की पहली सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो ड्राइंग रूम। घर में घड़ी लगाने की दूसरों की सबसे अच्छी जगह अगर है तो बेडरूम। घर में घड़ी लगाने की अगर तीसरी सबसे अच्छी जगह कोई है तो बच्चों के पढ़ने का स्थान। अगर घर की सभी घड़ियां अलग अलग समय दिखाती हैं तो ये आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस विषय पर मैं आपसे विस्तृत वार्ता करूंगा। जी बताइए, जगह बेशक ठीक है, हमने सही जगह पर घड़ी लगाई है लेकिन दिशा चूंकि ठीक नहीं है तो परेशानियों से हम दो चार हो रहे हैं। दिशा क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बताऊं कि ड्राइंग रूम की दिशा क्या होनी चाहिए। ड्राइंग रूम हर समय सही दिशा है उसका नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर के कोने में ड्राइंग रूम होना चाहिए। ड्राइंग रूम में हमेशा सुंदर और बड़े बड़े अंकों वाली घड़ी लगाना शुभ होता है। घर में घड़ी को पूर्व दिशा में ड्राइंग रूम में, उत्तर दिशा में या ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में ही लगाना चाहिए। ड्राइंग रूम में पूर्व दिशा में घड़ी लगाने से अचानक होने वाली दुर्घटनाएं रुक जाती हैं और परिवार के हर सदस्य सुरक्षित रहते हैं। परिवार के सदस्यों का आपस में प्यार और सामंजस्य बढ़ता है। इसी तरह से ड्राइंग रूम की उत्तर दिशा में घड़ी लगाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है, पैसे से जुड़े सभी काम समय पर पूरे होते हैं। ड्राइंग रूम की उत्तर पूर्व दिशा जो है वहां घड़ी लगाना अत्यंत शुभकारी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व दिशा में जो घड़ी आप लगाएंगे वो घड़ी ज्यादा करके अगर सफेद रंग की हो तो सुंदर है।
उत्तर पूर्व दिशा में भरपूर सकारात्मक ऊर्जा होती है। इन दिशाओं में घड़ी लगाने से परिवार के सभी सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहते हैं, आभा मंडल का विस्तार होता है और सबसे बड़ी बात जो है वो परिवार के लोगों का तनाव समाप्त हो जाता है और घर के लोग अपने कार्य के प्रति जागरूक और मेहनती हो जाते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा में हमेशा सादी गोलाकार या अंडाकार घड़ी ही लगाना चाहिए। बहुत कोने वाली घड़ी और बहुत ज्यादा डिजाइन वाली टेढ़ी मेढ़ी घड़ी उत्तर पूर्व के कोने में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसको कहते हैं देव स्थान, और देव स्थान में जितनी शालीनता रहेगी, जितना आंखों को सहजता प्राप्त होगी घड़ी को देख करके, उतना ही उत्तम आपका समय भी होगा। अब बेडरूम या स्टडी रूम में कहां घड़ी आपको लगाने से आपकी तरक्की हो सकती है और कहां घड़ी लगाने से आपके सभी कामों में अड़चन आ सकती है, ये मैं आपको विस्तार से देखिए। अपने बेडरूम में हमेशा उत्तर या पूर्व उत्तर की दीवार पर ही घड़ी लगाइएगा और बेडरूम में ज्यादा आवाज करने वाली घड़ी बिल्कुल मत लगाइएगा। जो घड़ी हर समय टक 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 की आवाज करती हो, ऐसी घड़ी भूल करके भी अपने बेडरूम में मत लगाइएगा। बेडरूम में ज्यादा आवाज करने वाली घड़ी लगाने से मानसिक तनाव बढ़ता है, नींद में कमी आती है, सेहत खराब होती है। इसी तरह से बच्चों के स्टडी रूम में पूर्व या उत्तर दिशा में ही घड़ी आपको लगाना है। स्टडी रूम में पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में घड़ी लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है और बच्चों को हर विषय आसानी से याद भी हो जाता है। डिजाइन वाली खूबसूरत और म्यूजिकल वॉल क्लॉक्स आ गई हैं और लोग भी उन्हें ही अपने घर में लगाना पसंद करते हैं, तो ये वॉल क्लॉक्स अपने घर में लगाना ये कितना ठीक है? देखिए ज्योत्सना, ऐसा है बेटा कि फैशन में कभी कभी नाजायज चीजें भी चलन में आ जाती है। जैसे आजकल आप देख रही होंगी लोग फटे हुए कपड़े पहन करके बड़े आत्मविश्वास के साथ समाज में चलते हैं। पहले लोग फटे कपड़े पहनते थे तो अपने को छुपाते थे, शर्मिंदा होते थे, लेकिन आज फटे हुए पैंट पहन करके, फटे हुए कपड़े पहन करके लोग बड़े गर्व के साथ अपने को एडवांस दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से लोगों का भाग्य भले बिगड़ जाए लेकिन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आकार की घड़ियां भी लोग ले आकर के अपने घरों में लगा लेते हैं, जिससे पूरा भाग्य भले चौपट हो जाए लेकिन वो अपना फैशन करेंगे। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार गोल, अंडाकार, आठ भुजाओं वाली और छह भुजाओं वाली घड़ियां बहुत शुभ होती हैं। आजकल कुछ घड़ियां हर एक घंटे के बाद संगीत या मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऐसी घड़ियों को घर के ब्रह्मस्थान में लगाना चाहिए। इतने दिनों से कार्यक्रम कर रहा हूं, अब आप तो समझ ही गए होंगे ब्रह्मस्थान घर में किसे कहते हैं। ब्रह्मस्थान का मतलब है कि पूरे घर को चारों दिशाओं से नापने पर जो सबसे मध्य केंद्र बिंदु बनता है घर का, वो स्थान ब्रह्मस्थान कहलाता है। और उस स्थान पर 10 ग्राम वजन की भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए और उसे साफ सुथरा व्यवस्थित होना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है अगर वहां घड़ी लगाई जाए तो। परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में उन्नति के नए अवसर शुरू हो जाते हैं। पेंडुलम वाली घड़ी को ड्राइंग रूम में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी शोभा और इसकी महत्ता ड्राइंग रूम में तब बढ़ जाती है जब ये पूरब की दीवार में पेंडुलम अपने गति से चलता रहता है और उस पर लोगों की जब निगाह जाती है तो बहुत ही शांति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं 100 बार एक बात कहता हूँ कि वास्तु शास्त्र माने व्यवस्था शास्त्र। वास्तु शास्त्र ऐसा कोई हवा नहीं है, वास्तु शास्त्र माने व्यवस्था शास्त्र। कैसी व्यवस्था? प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। ये जो प्रकृति है इसके अनुकूल जो व्यवस्था है उसी को वास्तु शास्त्र के रूप में वर्णित किया गया है।
इसलिए कभी भी घड़ी को दक्षिण दिशा वाली दीवार पर नहीं लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा की दीवार को वास्तु में शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह यमराज की दिशा है। विज्ञान के अनुसार इस दिशा में ज्यादा निगेटिव एनर्जी होती है। जितनी बार आप इस दिशा में घड़ी की ओर देखेंगे, उतना ही उस दिशा की ओर नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके जीवन पर पड़ेगा। आपका मुखमंडल मलिन होगा, आपको तनाव आएगा, आप भाग भाग करके अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें गलती पर गलती आप करते रहेंगे। और दूसरी बात, घड़ी को मुख्य द्वार के ठीक सामने या दरवाजे के ठीक ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसके नीचे से निकलने वाले हर व्यक्ति का ओरा आभा मंडल कमजोर होगा। ऐसे लोगों का स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाएगा और ऐसे लोग समाज में लोकप्रियता से वंचित हो जाएंगे। अगर आपने भी न जानकारी के रहते अपने दरवाजे के ठीक ऊपर घड़ी लगाई है या कैलेंडर लगाया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कार्यक्रम देखते देखते उसको आप वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये जितने मिनट घड़ी चल रही है उतने मिनट आपके भविष्य को पीछे कर रही है। घड़ी समय का सूचक है और समय आपके भाग्य का सूचक है। बंद पड़ी हुई घड़ी और दरवाजे के ऊपर लगी हुई घड़ी ये विनाश को निमंत्रण देते हैं। इसलिए घड़ी न हो घर में, यहां तक तो ठीक है, लेकिन घड़ी हो घर में और गलत डायरेक्शन में हो, बंद पड़ी हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जीवन में ऐसे लोगों से भी परिचय आया है कि उनके घर में जो भी सामान आ जाए वो पूरे जीवन तक उनके रहेगा, वो स्क्रैप के रूप में रहेगा लेकिन रहेगा। ऐसे लोगों के घर में चार चार पुरानी घड़ियां पड़ी रहती है और वहां भूत जैसे नाचता है, इतनी ज्यादा तनाव की स्थिति रहती है। उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, थोड़ा माया मोह छोड़िए और कचरे को निकालकर बाहर देखिए। सही समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपकी घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट लेट हो जाती है, 10 मिनट लेट हो जाती है, 2 मिनट लेट हो जाती है, 1 मिनट लेट हो जाती है, तो ये घड़ी भी आपके दुर्भाग्य को बढ़ा रही है। मेरा मानना है कि ऐसी घड़ियां कभी कभी आदमी का बहुत नुकसान कर देती हैं। तो ऐसी घड़ी को भी या तो ठीक कराना चाहिए और या उसकी मोहब्बत छोड़ करके उसे अलविदा कहना चाहिए। घर में अलग अलग समय दिखाने वाली घड़ियां काम में रुकावट डालती हैं। घर में जैसे 3 घड़ी है, आपके बेडरूम की घड़ी कह रही है 10:05 हो रहे हैं और बच्चे के स्टडी रूम की घड़ी कह रही है 9:30 हो रहे हैं और ड्राइंग रूम की घड़ी कह रही है कि इस समय 9:45 रहे हैं। ड्राइंग रूम में कोई आपका इंतजार कर रहा है, बच्चा आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसे छोड़ने जाएंगे। तीनों लोगों के तैयारी का विरोधाभास घर में कलह पैदा कर देगा। तो इसलिए जितनी भी घड़ियां आपके घर में हों, सब एक टाइम से चलें, एक जैसी चलें और एक ही समय सब में प्रदर्शित हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ड्राइंग रूम या बेडरूम में घड़ी ऐसी लगाएं जिससे वहां आते जाते सामने घड़ी दिखाई दे। घड़ी को समय समय पर साफ करते रहें, उसकी डस्टिंग करते रहें, उस पर धूल न बैठने दें, मकड़ी के जाले न लगने दें और घड़ी के पीछे भी जाले वगैरह की स्थिति ना बनने पाए। घड़ी का शीशा जरा सा भी क्रैक या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। घड़ी का टूटा हुआ शीशा घर में दरिद्रता लाता है। अपने बेड के सिरहाने घड़ी मत रखिए, इससे आपके सर में दर्द की भी शिकायत हो सकती है और मन भी अशांत हो सकता है। घर में खराब या बंद घड़ियां बिल्कुल ना रखें, ना रखें, ना रखें। बहुत बार कह रहा हूं, कम से कम अपने घर को सुख शांति से आगे बढ़ाने के लिए घर में बंद पड़ी घड़ियों को निकाल बाहर करिए। घर की बेटियां और बहुएं अगर सेहतमंद और खुशहाल नहीं हैं, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है? ऐसे में आपको अपने घर में
ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके घर की सभी महिलाएं हमेशा खुश, स्वस्थ और संपन्न रहें। ये सब मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। आप बने रहिए। जो लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध करने का मतलब न तो पिंडदान करते हैं आप कनागत अर्थात पितरों के समय में, पितर पक्ष में, ना तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, ना आप गया श्राद्ध करते हैं, ना पितरों के लिए तर्पण करते हैं, और पितृदोष के प्रभाव के कारण आपके जीवन में बुरे परिणाम आ रहे हैं, तो आप जगत के तारनहार भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए। वहां कुछ दक्षिणा के साथ सफेद तिल एक तांबे के लोटे में भर करके दान करिए। इससे भी आपके पितरों को शांति मिलेगी। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का दूसरा रूप कहा गया है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत। और रात्रि सूक्त में कहते हैं कि संसार की जितनी स्त्रियां हैं हे माँ, उन्हीं का स्वरूप तुम हो। तो जिन घरों में महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा बीमार रहती हैं, और जिन महिलाओं को परिवार में सहयोग और प्यार नहीं मिलता है, अर्थात उन्हें उपेक्षित और प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि अशोक के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। अशोक के पेड़ के नीचे घी और कपूर मिलाकर के रोज दिया जलाएं। इससे निगेटिव एनर्जी दूर होगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और उस घर की तरक्की जरूर होगी।